हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनाक्षीज लाइफस्टाइल। और आज है दशहरा, तो अभी क्योंकि मंडे है, वर्किंग डे है, तो प्रियंका इज नॉट दैट मच फ्री, तो आई थॉट कि चलो मैं ही गाड़ी धो लेती हूँ अभी। सो आई एम गोइंग फॉर कार वॉश। सो आई थॉट क्यों ना आप लोगों को भी दिखाया जाए कि यहाँ पे कार वॉशिंग कैसा होता है। सोसाइटी में ही है कार वॉश हमारा, तो वहीं पे मैं जाऊँगी। हम चलते हैं फिर वहाँ पे और आपको मैं दिखाऊँगी कि कैसा है एक्चुअली वॉश एरिया, मतलब कार वॉश के लिए कैसा एरिया है वहाँ पे और क्या क्या वहाँ पे फैसिलिटीज रहती हैं। तो फिर लेट्स गो। सो हियर आई एम एट द वॉशिंग एरिया। लेट मी शो यू कि कैसा है यहाँ पे। मैंने आगे इसलिए स्पेस छोड़ा है जैसे कि मैं मूव कर सकूँ। दिस इज द लाइक पाइप, इससे कि प्रेशर वाटर रिलीज होता है एंड यहाँ पे आप आराम से अपना कार वॉश कर सकते हो। सो आई हैव बेसिकली यू हैव टू कैरी लिक्विड और स्पंज, विच एवर यू वॉन्ट टू यूज, एंड मस्त अच्छे से हो जाता है। आई विल शो यू स्पंज। और ये है शैम्पू। बेसिकली हम लोग माइल्ड शैम्पू यूज़ करते हैं कार वॉश करने के लिए, बाकी इट्स योर चॉइस, आपको जैसे भी वॉश करना हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले पानी डालेंगे पूरी कार पे। जैसे जैसे मतलब मैंने तो इंडिया में घर में तो किसी के नहीं देखा है ऐसे, बट या जो बाहर जहाँ पे हम लोग सर्विसिंग करवाने जाते हैं वहाँ पे ये प्रेशर होता है पानी का, तो वो सेम चीज़ है। ये मुझे बड़ा मज़ा आता है, मतलब इंडिया में भी है, मतलब मेरे घर में मैं जैसे दशहरा पे मैं और पापा हम लोग मिलकर हम लोग धोते थे, मतलब मैं अपनी स्कूटी कार एंड पापा बाइक, मतलब तीनों चारों गाड़ी ऐसे बाहर निकाल के और फिर धोते थे मास्क। मुझे बड़ा मज़ा आता है ये सब करने में। तो इस साइड से ये पूरा हो गया है घूमा टुवर्ड्स अनदर साइड। पानी डालना तो ठीक है, मतलब जो एक बार धोन साफ करने के बाद जो जब जैसे उसमें ऊपर से फोम रहता है और उसको साफ करना जो होता है ना, वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है, मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है उसमें वो करने में। तो हमारी गाड़ी अभी थोड़ी नहा चुकी है, अब उसमें साबुन लगाया जाएगा एंड देन उसके बाद उसकी फिर उसको फिर से नहलाया जाएगा। सो ये फोम में अभी अच्छे से मैंने शैम्पू पहले पानी अच्छे से भर लिया था और फिर उसके बाद शैम्पू लगा लिया है। करती हूँ मिरर से, बिकॉज इस टाइम पे जो फोम है वो सबसे ज़्यादा क्लियर होता है एंड मिरर पे स्क्रैच आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले मैं मिरर से स्टार्ट करती हूँ ताकि स्क्रैच का प्रॉब्लम ना आए। Now I started. इसी की वजह से होता है ना, यहाँ पे फॉल के टाइम पे पेड़ में जो भी ट्रीज हैं यहाँ जितने भी, उसमें से ना एक लिक्विड टाइप का निकलता है। शायद आई डोंट नो आपको इतना क्लियर दिखेगा या नहीं, पर ये ऐसा हो जाता है गाड़ी के ऊपर फिर, तो वो मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या जंग लग गई है, उस टाइप का हो जाता है। बट नहीं, बहुत ईजी होता है फिर उसको निकालना भी, ईजीली निकल जाता है। बट उससे बहुत अजीब सा लगने लगता है, मतलब गाड़ी बहुत अपने आप में ही, मतलब पेड़, क्योंकि इस सोसाइटी पर्टिकुलर में बहुत ज़्यादा चीज़ें, देखो आपको देख के समझ में आ रहा होगा, तब ये पेड़ के नीचे अगर गाड़ी खड़ी करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उस पर गिरता ही है। और अभी फॉल सीजन में तो लाइक पत्तियों का तो बाहर गिरती है उस पर, ऐसा होता है, तो उसकी वजह से और ज़्यादा गंदी हो जाती है गाड़ी। तो आगे का साइड पूरा हो गया है, नाउ आई एम वॉशिंग इट, बिकॉज क्या होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा दवे तक अगर फोम ऐसा रहने देते हैं तो वो सूख जाता है, यानी उसके निशान बन जाता है सुबह ही के वहीं। तो वट आई प्रेफर इज लाइक पहले आप उतना पोर्शन कर लें, लाइक आगे का मैं एक बार करती हूँ, फिर एक साइड, फिर दूसरी साइड एंड देन पीछे। तो इसमें क्या होता है कि वो सूखता नहीं है और ईजीली निकल भी जाता है, मतलब
सूखेगा नहीं, निशान नहीं होगा, मस्त चमक जाती है कार पे। ये पार्ट मेरा फेवरेट था, साबुन लगा मस्त, उससे पानी डालती मस्त तरीके से चमका। और जो कैमरे में इतना समझ में नहीं आएगा कि वो साफ हुआ है कि नहीं, क्योंकि एक्चुअली कैसा है ना, अभी जैसे अभी साफ कर लिया मैंने एंड अभी हम मैं जाके वहाँ पास करूँगी, तो कल तक फिर वही कहानी। वो पेड़ का जो लिक्विड है वो कंटिन्यूसली गिरता ही रहता है, तो उसका तो पीछा नहीं छूटना है। बट या तो डे दशहरा तो साफ तो करना ही था ये। तो एक जैसे यहाँ पे एक है, ऐसे उस साइड पर एक है, मतलब इसके जस्ट अपोजिट साइड पर, जस्ट साइड में। चलो अभी हमारा आगे का हो गया, अब साइड का करते हैं, तो इसको थोड़ा सा गीला कर लेते हैं पहले। सो साइड इज ऑल्सो डन एंड रूफ इज ऑल्सो डन एंड आई हाईली रिकमेंड जो लोग भी कार वॉच घर पे करते हैं, मतलब जो लोग सर्विसिंग करवाते हैं उन लोगों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ जो लोग घर पे कार वॉच करते हैं उन वो लोग इस टाइप को जो ये सामने रखा हुआ है, इस टाइप का स्पंज यूज करा कर अगर आप करेंगे तो लिटरली आप जो भी लिक्विड यूज करते हैं, आप सोप, आई डोंट थिंक कोई सोप यूज़ करता होगा, बट या आप कोई भी शैम्पू यूज़ करते हैं, कोई भी कार वॉश लिक्विड यूज़ करते हैं अगर, तो वो मतलब इट्स लाइक सिर्फ चार ड्रॉप ले लो आप एक बार में और उसके बाद छुट्टी, एक बार आपका कार वॉश आराम से हो जाएगा। इवन दो धुल जाएंगे क्योंकि फॉर्म बहुत अच्छे से सॉफ्ट कर पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, तो बहुत बेस्ट पार्ट होता है। मतलब इससे अगर आप साफ़ करें तो सफाई भी बहुत अच्छे से होगी, प्लस आपका जो भी लिक्विड आप यूज़ कर रहे हो वो भी बहुत मिनिमल लगता है, मिनिमल। सो दिस साइड इज ऑल्सो डन एंड रूफ इज ऑल्सो डन। अब बचा है बैक एंड टायर्स। सो बेसिकली ये जो ऊपर है ना, ये पाइप ऐसा रिवॉल्व होता है, जहाँ भी आप जाओगे ये ऐसे रिवॉल्व हो जाएगा, सो ऑल अराउंड, तो बहुत अच्छा रहता है, ईजी हो जाता है इससे कार वॉश करना। सो या ऑल फोर टायर्स आर ऑल्सो डन एंड बैक इज ऑल्सो डन, बस इनको वॉश करना रह गया है। सो कार इज सुपर क्लीन नाउ, नहा धो के तैयार है बिल्कुल। हर साइड से सर डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि मैंने मतलब अच्छे से साफ की है या नहीं की है। एंड बाय द टाइम, सो यहाँ पे एक वैक्यूम मशीन भी होता है बाहर अगर आपको इंटीरियर मतलब वैक्यूम करना है तो, बट हमने अभी कुछ दिन पहले ऑलमोस्ट एक वीक पहले ही अभी वैक्यूम किया था पूरा कार, तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं अंदर गंदगी, तो मैं वो साफ़ नहीं कर रही हूँ। बस जहाँ भगवान हमारे हैं, गणपति जी का जो स्टैच्यू लगा हुआ है वो है, वहाँ पे मैंने साफ़ कर दिया है, वहाँ पे एकदम क्लीन कर उसको अच्छे से साफ क्लीन कर दिया है। अब बारी है माला की, तो आई एम थिंकिंग कि अगर मुझे सोसाइटी में कोई अच्छे फ्लावर्स मिल जाते हैं तो मैं वो पिक करके एंड देन फिर मैं घर पे ही बनाऊँगी एंड फिर पूजा करेंगे। सो अभी कार वॉश के बाद मैं आ गई हूँ लीजिंग ऑफिस साइड एंड लकीली मुझे कुछ फ्लावर्स दिख रहे हैं यहाँ पर, तो मैं वो प्लग कर लेती हूँ। I'll show you कि ये हैं roses, a different kind of, but yeah, जिसको हम लोग इंडिया में देसी roses बोलते हैं, देसी वाले गुलाब, देसी गुलाब वो है। सो यार मैं ये ले लेती हूँ, मैंने बहुत सारे flowers ले लिए हैं, आई थिंक सो इससे काफ़ी अच्छी माला बन जाएगी। सो लेट्स गो होम नाउ, कलरफुल फ्लावर्स भी ले लिए हैं, येलो पर्पल कलर के। सो लेट्स सी इसका मैं क्या बनाने वाली हूँ, चलो अच्छी मैं किसका क्या बनाने वाली हूँ। नाउ लेट्स गो होम।
लेट्स गेट स्टार्टेड। कैसे लूँ मैंने यहाँ ऐसे किया, एक मिनट पकड़ो, ये कैसे पकड़ोगे? मैं यहाँ रख दूँ अभी? हाँ रख दो ना। गाड़ी शुड बी हैप्पी ना? ना यहाँ बनाया था, यहाँ बनाना है कि ना? नहीं नहीं वहाँ वो साथ है, वहाँ अच्छा पहले वहाँ बना बनाते। ये क्या है? ये रोली। रोली है, ठीक है। क्यों मुझे पता नहीं, उसमें चल जाएगा ना? हाँ हाँ उससे कुछ नहीं होगा। फर्स्ट टाइम ना बिनेश ने पूजा की थी, मतलब आज में से सोनाक्षी ने पूरी कार को एकदम ब्रांड न्यू बना दिया है, फिर से चमका दिया एकदम। हमने चप्पल भी पहना दो। हाँ वैसे गर्दन कहाँ है? वो उस पे पहना दो, क्या बोलते हैं इसमें फंसा दो, इसमें वाइपर्स में, नहीं वाइपर में फंसा दो ना। ये खोलना रहेगा यार, ये पहले करना चाहिए था क्या? क्या खोलना रहता है? बोनट। क्यों? इसमें अंदर लगाते हैं थोड़ा सा। खोल दो, थोड़ा सा खोल दो। मैं खोल देता हूँ। ओके मैं भी आर्टिकल में थोड़ी देर। हाँ मुझे मेन तो तुम्हारी है भाई। थोड़ा सा चावल, चावल वहीं रखे। अरे उस तरह, हाँ ये फूल की पत्तियाँ रखी हैं, वो चढ़ा दो। लगा दो, लगा दो। ये फूल, फूल चढ़ाना है, फूल यहाँ। हाँ पेटल्स बस हो गया। वहाँ भी आरती कर दो, जी तो चढ़े ऊपर, बीच में गैप ही नहीं है ना, यहाँ रख लेती हूँ मैं। और क्या? बाकी फूल तुम चढ़ा दो। देखो गाड़ी में जितनी बार भी बैठो, दरवाजा खोलने के बाद आपको ओम साई नाम बोलना है। ऑन द नेक्स्ट सेकंड हम भूल गए है ना, आपने तो ये किया था। यहाँ पे
आप करो। मैं उधर बैठ जाता हूँ ना, दोनों अंदर बैठ के कर लेते हैं ना। मुझे दे दो, आप कर लो। और हमेशा सुरक्षित रहे, हमें सुरक्षित गाड़ी चलानी है। यहाँ पे कर दो थोड़ा सा ड्राइवर सीट स्टेबलाइज स्टीयरिंग। ड्राइवर सीट नहीं, मेनली स्टीयरिंग, बिकॉज इसी से ही चलती है ना सही गाड़ी तो। ये नहीं तो कुछ नहीं। दिस इज द मेन स्टीयरिंग। दशहरा पूजा, हमारी गाड़ी की पूजा हो गई अच्छे से। नाउ वी आर गोइंग होम। सो दैट्स इट फॉर माय वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। सो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।